अब मैं आपको शलवार की स्टिचिंग बताने लगी हूँ। इससे सबसे पहले मैं आप बेल्ट बनाऊंगी। ये शलवार की बेल्ट है, इसको तैयार करने लगी। ये 9 इंच इसकी चौड़ाई है। अब इसकी दोनों साइडें मैं सी लूंगी, थोड़ी सी चिड़ी के लिए एक साइड से बचा लूंगी। ये देखिए, मैंने नाला डालने के लिए, इलास्टिक डालने के लिए ये जगह चिड़ी बनाने के लिए छोड़ दिया। अब इस तरफ से मैं सारी सिलाई काट लूंगी, पूरी इस तरफ से नहीं छोड़ूंगी। ये देखिए दूसरी साइड। एक साइड से चिड़ी छोड़नी है, दूसरी साइड से नहीं छोड़नी। इसको इस रिम को मैंने पूरा सी दिया। और अब ये मैं ना इसकी चिड़ी बनानी, जहाँ से आपने नाला डालना है या लास्टिक जो भी कुछ डालना है। ये देखिए इस तरह भी बनती है और इस तरह की, लेकिन मैं इस तरह की बनाऊंगी। इस शेप में इसको लेना है। अब मैं इसको बखिया लगाने लगी। अब मैं इसका नेफा बनाने लगी, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह नेफा बनाना। ये देखें, पहले इस तरह मैंने फोल्ड किया हल्का सा करके, फिर इस तरह। अब यहाँ से नेफा डालने लगी, यहाँ से मैं सिलाई शुरू करूँगी और सीधी सारा राउंड मिले। यहाँ से अब मैं डबल करने लगी ताकि ये मजबूत हो जाए। बस अब हमारी बेल्ट तैयार हो गई है बिल्कुल। अब बेल्ट बिल्कुल शलवार की तैयार हो चुकी है, सिर्फ इसको साथ लगाना है। शलवार का घेर खुला करने के लिए साथ में कुंडियां डाल रही हूँ। ये कुंडियां हैं, ये इसके साथ लगेंगी। इधर वाली है कुंडियां इसी पोंछे के साथ लगेंगी, इधर वाली कुंडियां भी इस पोंछे के। इसी तरह मैं सी क्या आपको दिखा। मेरी एक बहन ने पूछा था कि शलवार में कुंडियां कैसे डालनी है घेरा खुला करने के लिए। तो बच्चे आपने इस तरह करना है कि जिस तरह मैं ये कुंडियां डाल रही, इसी शेप में आपने काट लेनी है। चाहे छोटी डालनी है तो छोटी डाल लें, जितना भी कपड़ा हो ये कोई मजाका नहीं। तो फिर उसको इसी तरह जोड़ना, जिस तरह आप मैं यहाँ से पकड़ के ना इसी शेप में काट के। और ये याद रखें कि कुंडियों का जो दरमियान में डालनी है उसका मुंह इतना सा हो, बस ज्यादा चौड़ा नहीं नीचे से। ये तो मैं पोंछा खुला करने के लिए डाल रही, ये अब मैं यहाँ से उठा के इसको यहाँ सिलाई काट दू, ऐसे पकड़ा और सीधी सिलाई काट। अब ये कुंदे मैं जोड़ रही हूँ जो मैंने अभी आपको दिखाई। ये देखे एक साइड से कुंदी जुड़ गई, अब दूसरे साइड से जोड़ने लगी। जिस तरह ये मैंने कुंदिया और पोंछा लगाया है, इसी तरह अब मैं दूसरी साइड पे भी इस पोंछे को लगाऊंगी। ये देखे ऐसे पकड़ा और यूं इस तरह लगा। जिस तरह ये कुंदी और पोंछे जोड़े हैं इसी तरह हमने दूसरी साइड के भी इसी तरह सेम जोड़ लें। जिस तरह ये जोड़ी है कुंदी और पोंछे, इसी तरह आप इसको जोड़ना है। ये देखिए इसको इसके साथ जोड़ देना है, इसको इसके साथ जोड़ देना है। बस और शलवार तैयार हो गई। अब मैं इसकी सिलाई पहले लगाऊंगी, बाद में इसकी लगाऊंगी। अब
अब इसी तरह मैं पकड़ के दूसरी साइड भी इस तरह लगा ली जिस तरह आप पहली साइडें लगाई थी। इसके बाद सलवार मुकम्मल हो जाएगी हमारी। ये देखें सलवार सिल कर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। दोनों तरफ से अब मैं सेंटर में से पकड़ के यूं, ये देखिए मैंने निशान लगाया, अब सेंटर में से पकड़ के अब मैंने इसे फोटो की चुंटें डाली हैं इस तरह एक ही साइड की, सारी सलवार की इसी तरह मैंने चुंटे डालते जाना है बेल्ट के साइज के, बेल्ट के साइज के मुताबिक इसको तैयार करूँगा। ये सेंटर का बेल्ट के निशाना है जहाँ चिड़ी आनी है, इसलिए मैंने ये निशान लगा कर बता दिया कि ये सेंटर का है, या मैंने चुनट नहीं डाली इसलिए कि ताकि मुझे पता चल जाए। ये देखिए मैंने इतने साइज का कपड़ा पकड़ा है, पकड़ के इसको चुनट के लिए रख लिया है इसके ऊपर। ये अब ये ख़त्म हुई है पहली, तो दूसरी शुरू हो गई। इसी तरह आपने करते जाना है। ये देखें ये भी ख़त्म हो गई। अब तीसरी इसी तरह सारी बारी बारी डालते जाना है। ये देखिए इस तरह चुनते आने में। ये बैक साइड में भी दरमियान मैंने निशान लगा लिया आसन में, जिस तरह मैंने शुरू में छोड़ा है जहाँ आप नाला डालें चिड़ी के लिए, इसी तरह मैंने इसका सेंटर भी छोड़ दिया है। बैक साइड के सेंटर में से छोड़ना है। ये मैंने देखें इस साइड की चुंटे डाली हैं, अब दूसरे पोंचे में इस साइड की चुंटे डाली। ये देखें अब इस तरह मोरा, पहले इस तरफ मोरा था अब इस तरफ। ये देखे सेंटर आ गया, अब सलवार हमारी मुकम्मल हो गई है, सारी चुंटें डाल चुकी हैं। अब मैं इसको बेल्ट के साथ लगाने लगी। ये अब हमारी सलवार के और बेल्ट दोनों तैयार हो चुकी हैं। ये देखिए इसका भी सेंटर हो गया है, इसका भी सेंटर हो गया। अब मैं इसको सब पकड़ के इसके साथ जोड़ देना, बेल्ट को और शलवार को इकट्ठा मैंने इसको पकड़ के जोड़ देना। ये देखें इस शलवार का भी सेंटर है और बेल्ट का भी सेंटर है। अब यहाँ से यह चिड़ी भी शुरू हो गई है। अब मैं यहाँ से पकड़ के इसको सिलाई लगा दूँ। इसी तरह सारी मैंने सिलाई अब लगाते जाना है। ये देखें ना बेल्ट कम हुई है और ना नीचे वाला कपड़ा, बराबर ही एक साथ पूरा हो गया। अब मैं आपको दिखाने लगी। ये देखिए अब सारी सिलाई मुकम्मल हो चुकी है, बेल्ट लग चुकी है। अब मैं इस सिलाई को ना ऊपर की तरफ करके और यहाँ मैंने बखिया लगाना है, यहाँ नीचे कोई कपड़ा नहीं आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, यहाँ ऊपर आके यहाँ ही सिलाई लगानी है। लगाऊंगी मैं सीधी तरफ। मैंने शलवार को सीधा कर लिया है। आप ये देखें एक पैर का मतलब है इसके साइज़ के हिसाब से। ये देखें मैं सीधी साइड से ना बखिया लगाऊंगी और नीचे वाला ताकि इसके साथ अटैच हो जाए। जिस तरह की भी आप जब भी बेल्ट डालें उसके ऊपर इस तरह कई बखिया लगा लें, चाहे चुनट वाली चाहे एक चुनट वाली, इस तरह सारा बखिया लगा देना डबल। मैं इस सिलाई का बता रही थी आपको, ये डबल सिलाई की है मैंने एक पैर की, ये निशान से आपने भी उसी तरह बड़ा पैर करके एक साइड पे तो डबल बखिया लगाना है, सीधी साइड पे लगाना है। ये देखे ये दोनों साइडें आ गई ना दरमियान में, और ये शलवार की म्यानी है और ये इस तरह आपने रखा। अब मैं पोंचों के लिए
चुमटे डालने लगी हूँ, नीचे मैंने पोंछे बनाकर इसको लगाने हैं और यहाँ चुमटे डालने लगी हूँ फ्रॉक की, जैसे फ्रॉक की चुमटे डालते हैं मशीन के साथ बड़ी चाल करके वो डालने लगी। अब पोंछों के लिए चुमटे डालने लगी हूँ। चुमटे डालने के लिए आपने इसको, ये पहले ऊपर थी, ऊपर छोटा बारीक बकिया था, नीचे करूंगी तो बड़ा हो जाएगा। फ्रॉक वाली चुमटे डालने लगी मैं, ये देखें इस तरह। इसी तरह दूसरा पोंछा बनाने लगी। बकिया सीधी तरफ लगाना है, याद रखें इसका सिलाई करते हुए इसका धागा नहीं टूटना चाहिए, खींचते वक्त भी इसका धागा नहीं टूटना चाहिए। अब उल्टी साइड वाला धागा लेके ना इसको मैं खींचूंगी। ये देखे दो धागे हैं ना, एक सीधी साइड वाला और एक उल्टी साइड वाला, लेकिन मैंने नीचे से खींचना है उल्टी साइड, दोनों साइडों से बराबर खींचा जाए इस साइड से। ये भी उल्टी साइड ही ली है मैंने, इस तरफ से भी वो ही धागा लिया जो सीधी तरफ। एक पोंछे को मैंने इस तरह डाल लिया, इसी तरह मैं दूसरे पोंछे को भी चुमटे डालूंगी, इसी तरह दूसरे पोंछे को भी मैं चुने डालने लगी। अभी मैंने सिर्फ चुमटे डाली है, तैयार कर ली है, अब पोंछे बनाकर इसको लगा। ये देखे मैं शलवार के पोंछे बनाने लगी हूँ। मैंने टिकन लगाया है, इस तरह आपने भी टिकन लगाना है, इस तरह टिकन लगा के ये देखेंगे। अब ये सीधी साइड है, ये इसकी सीधी साइड है, ये इसकी उल्टी साइड है। सेम भी लगा सकते हैं उसी तरह के, लेकिन मैंने शर्ट के साथ के लगाए हैं पोंछे। ये देखिए अब मैं पोंछा लगाने लगी, ये चुनट वाला मैंने हिस्सा रखा है और ये सादा रखा है। अब ये इसको उल्टा करना तो ये सीधी तरफ आ जाएगा, ये उल्टी साइड है। ये साइड मुकम्मल हो गई है। अब मैं इसी साइड का दूसरा पोंछा, अब ये ना इसी सा एक ही शलवार, अब पहला ही अभी पोंछा बना रही हूँ उसको, अब यू टर्न करके अब मैं यहाँ बकिया लगा दूँ बस, और ये पोंछा मुकम्मल हो जाएगा। इसको इस तरह फोल्ड कर लेना है टिकन के ऊपर, फिर इसको इस तरह लगा देना है इसके ऊपर, फिर यहाँ बकिया लगाना है। अब मैं पहले यहाँ लगाने लगी, ये देखे मैं पोंछे के नीचे बकिया लगा रही हूँ। ये देखे ये नीचे चुनट है, अब ये टर्न किया हुआ है, और अब इसको मैं ऊपर रखे जैसे ले रही नहीं तरपाई करते इस तरह मशीन का बकिया लगाना है। अब दोनों पोंछे तैयार हो चुके हैं, ये देख ले। अब मैं नाली सीने लगी, या मैं नाली सीने लगी हूँ। अब मैं इसकी डबल सिलाई करने लगी, शलवार हमारी मुकम्मल सिलाई हो गई है। उम्मीद करती हूँ
कि आपने इसका कटिंग का मेथड और स्टिचिंग का मेथड समझ लिया होगा और आपको नहायत ही आसान लगा होगा। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिज़ाइन के साथ, नए स्टाइल्स के साथ और नहायत ही आसान इजी मेथड्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, लेकिन जाने से पहले हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस के साथ आप अप टू डेट रह सकें। थैंक यू, अल्लाह।